अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आई होप कि आप ठीक होंगे। अभी मैं बैठी हूँ पिंक बस में, ये वो वाली पिंक बस है जिसके बारे में नोटिफिकेशन आया था कि 2 मंथ तक जो है वो आपसे रेंट नहीं लिया जाएगा। और इट्स माय गुड फॉर्चून कि मैं अभी इसी में बैठी हूँ। इट्स अ कोइंसिडेंस, इससे रेंट वापस ले लो। मैं तो ग्रीन बस में आई थी, आई डिडंट नो अबाउट इट, बट मैं अभी बैठी। ये मुझे अभी सहना ने बताया तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में आप सब तक भी शेयर किया जाए। तो मैं अभी निकाब इस तरह से लगा के इसलिए बैठी थी कि मैं अपना निकाब इसका आप सबको उतार लिया। और इसने अचानक मुझे बताया कि नहीं ये वो वाली बस है, लेकिन हमें बताया तो मैंने अपना दुपट्टा इस तरह से पकड़ा। एनी वेज, इसके बारे में रिव्यूज़ में शेयर करती हूँ, ऊपर बताती हूँ कौन सी वाली। ये वैसे ये R9 है जिसमें मैं बैठी हूँ। यहाँ पर नई जो कंडक्टर है फीमेल, इधर ऑब्वियसली पिंक बस में जो है वो हमारे पास वही होती हैं, फीमेल कंडक्टर ही होती हैं, बट जो ड्राइवर होता है ऑब्वियसली वो मेल ही होता है और सारी फीमेल्स होती हैं। और यहाँ पर ये लाइक रेड बस जो R1, R9, R4 जो रेड बस है, तो इसका पूरा, हाँ ग्रीन बस, इसका जो गेटअप है पूरा जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जो बना हुआ, पिंक कर दी सना बता रही है। ग्रीन बस को इन्होंने पिंक बस कर दिया। देखिए कर्टन्स कितने प्यारे लग रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सुनहरी सुनहरी प्यार प्यार किया। तो अभी बाहर से मैं दिखाऊंगी, जब मैं उतर जाऊंगी ना तब मैं आपको बाहर से देखूँगी कैसी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वो पूरी मिराल नहीं है, मिराल देखा है जिसने वो सबात वाला ड्रामा देखा है, तो उसमें मिराल होती है हमारे पास जब अपने हस्बैंड से वो क्या कहते हैं बदला लेने जाती है, और वो इसी तरह से निकाब यहाँ पर लगाया हुआ होता है, हाथ में पकड़ा हुआ। एनी आई लाइक, और आप सब अगर ये सोच रहे होगे कि भाई इतने टाइम बाद ब्लॉग जा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ईद में वैसे ही मैं बिज़ी होती हूँ और ईद का ब्लॉग भी काफ़ी लेट आया था। मैंने वैसे थंबनेल में भी यही ऐड किया था, बस आ गया था जैसा भी था। और उसके बाद अभी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद, मतलब कि ईद के बाद जब यूनिवर्सिटी आए हैं उसके बाद मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग के बाद का। अच्छा, यहाँ का मैं रिव्यू दूँ, वैसे ही कम्फर्टेबल तो इसकी चेयर्स हैं सारी, और यहाँ का एसी भी काफ़ी अच्छा चलता है। एज यू कैन सी एयर काफ़ी ठंडी ठंडी आती है, मतलब सब सुकून है माहौल, जिसका मतलब कि ऊपर से रेंट भी नहीं है, तो जब रेंट नहीं होगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं यार ही क्या एनीवेज अभी हम घर जाते हैं, बाहर से मैं आपको लोग दिखाती हूँ। वैसे क्या लग रही हूँ और ऐसा क्या लग रही हूँ, उधर से कैसी लग रही हूँ, यहाँ से थोड़ी डंकी वैसे लग रही हूँ, वो भी सिर्फ इन कर्टन्स की वजह से। इसको हटा के मैं दिखाऊंगा फिर देखते हैं कैसे लगता है। सदम मेरी वहाँ से पिक्चर्स और वीडियोस बना रही है, मैं वहाँ से कैसे दिख रही हूँ, यहाँ पर कैसे दिख रही हूँ, यहाँ पर रोशनी आ रही है तो अभी मैं थोड़ी ढंग के दिख रही हूँ। अल्लाह सदा क्या लग रही है, आईडिया अच्छा है। हाथ नहीं लगा, मुझे हाथ नहीं लगा, वीडियो ख़राब कर रही है मेरी। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं, थोड़ा तो अभी हम लोग मतलब कि शमसी से होकर आ गए हैं, ये वाली कितने की है मम्मी के लिए लिए ना, तो हमने काफी सारी चीजें लिए, ये हैं कुछ वो हैं। एक्चुअली हमें यूनिवर्सिटी में एक्ट करना है, परफॉर्मेंस देनी है, डॉक्टर फॉस्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव का एक ड्रामा है जो उन्होंने लिखा है, तो उस पर हमें जो है परफॉर्मेंस देनी है यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए हमने जो जो चीज़ें अरेंज कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट वो एक्ट दिखा नहीं सकते, बट उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हमने अरेंज की है इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो आगे तक
तुमने मेरी चीज कोई बताई नहीं, एक्चुअली मैं जा रही जेंडर रिवील पार्टी पे। दिख रहा होगा इसने पिंक कलर की हैट पहनी है, लाइट ब्लू कलर का इसने स्कार्फ पहना है। तो ये कह रही कि मुझे, मैं जब से आई हूँ पहले तो मैंने पहना था बट उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई एम गोइंग टू इनटू द जेंडर रिवील पार्टी। एनीवेज अभी हम घर चलते हैं। पिंक बस में मज़ा बहुत आया था बट मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ऐसा हो सकता, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा किसी ना मतलब कि विदाउट गिविंग रेंट एंड आई एम सिटिंग इन द बस, वो भी पिंक वाली, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद हम जब उतरे हैं फिर अच्छा था हमारा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस अच्छा था, हमारी जर्नी भी अच्छी गुजरी। बट उसकी ये खास बात है कि वो सिक्स है, मतलब सिक्स है मतलब ये कि उससे अभी तक छः ऐसी आई है और वो है भी आर नाइन सिर्फ, और कोई भी नहीं है। आर नाइन है जो कि छः अभी तक आई है विदाउट पेमेंट विदाउट रेंट के। तो ये बेनिफिट है हमारे लिए, कराची की सारी गर्ल्स के लिए। कॉन्ग्रेट्स जस्ट फॉर टू मंथ्स, नॉट फॉर इट्स नॉट अ परमानेंट बट जस्ट फॉर टू मंथ्स। अच्छा अभी मेरे घर के करीब आ रहा है तो मैं यहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ हैं तो आगे मैं वो कैरी ऑन नहीं कर सकती, तो भाई घर चल के आपको चीज़ें दिखाती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। आज जो है वो सेकेंड डे है, मतलब कि मैं चीज़ें नहीं दिखाई फिलहाल क्योंकि जब सारी अरेंज हो जाएंगी हर एक चीज़ बन जाएगी मैं डिटेल उसका व्लॉग बनाऊंगी। कि डॉक्टर फॉस्टर्स को अगर आपने एक्ट प्ले करना है इस सीन से इस सीन तक, उसके लिए आप लोग को ये चीज़ें जो है वो उनकी नीड होगी। तो अभी मैं पिंक बस पे बैठी हूँ और आज मुझे अमाउंट ऐसे हो मेरा बड़ा ही खुद एक दुख है, पहले इतना सुकून मिला था बगैर पैसे के हम लोग बैठे थे बट आज जो है वो मैंने अमाउंट दिए और ऐसा लग रहा था कैश एंड डिपॉजिट बेटा नहीं नहीं आज नहीं है वो वाली बस है बट क्या बोले इट्स अमाउंट क्योंकि वो सिर्फ उनकी तादाद छः हैं फिर लोग जो है इसी रूट के लिए, तो सिर्फ आर नाइन ही है उनकी तादाद छः है बता दें। और अगर मैं आपको उसका हाल दिखाऊँगा तो ये कम्प्लीटली एम्प्टी, मैं आगे का दिखा लुक एट दस बस, एक दो इधर एक बैठी हैं, दो हमें दो अंटियाँ पीछे दैट्स इट, ये इसकी हालत है। और वहाँ कंडक्टर है हमारी फीमेल कंडक्टर, तो ये है मतलब कि आप इससे जान सकते हैं कि कराची की आवाम को फ्री की चीज़ों की आदत कितनी है। मतलब कि सब ना उसी का ही वेट कर रहे हैं जो वो वाली बस है, मतलब जिसमें के कहते हैं अमाउंट नहीं लिया जा रहा विदाउट रेंट जाए। और ऑब्वियसली अगर एक इनिशिएटिव लिया है तो हमें उसका बेनिफिट होना चाहिए, अगर ये गर्ल्स के लिए तो होना चाहिए क्योंकि यार हम इतनी मेहनत कर रही है यहाँ तक, इतना दिन की मुझे खुद 1 आवर लगता है यहाँ तक आने के लिए, सुबह आते हुए तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्ट टावर पर आती है, मुझे सिविल पर जो है उतरना होता आती है सुबह जो भी है एनी वे है ना जो भी है बस सुबह मिलती है भैया मुझे नहीं पता मिली है टाइम तो बहुत कम है क्या हमें मिली और हम लोग आए भी बहुत कम है क्योंकि फायदा ही नहीं आने का। एक बार मिली थी मुझे, दो बार मिली, फायदा नहीं है ना आने का, फायदा इसलिए नहीं है कि मिले भी तो सही 1 घंटे बाद मिल रही है वो चुप करना ये बोल 1 घंटे बाद तो ये है। और इसी के साथ साथ चलो मिल भी जाए तो हमें जहाँ पर ड्रॉप करना होता है वो जगह सही नहीं है ना, हमें फिर वहां से ना हम 50 रुपीज यहाँ देकर आए पर 30 रुपीज देके वापस सिविल तक जाए, हम किसी भी खान बस में या किसी और बस में हम जाए तो वो फिर ना एक तो हमें इतनी देर हो रही होती है, हमें हर काम जल्दी 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 करना होता है, सुबह में जल्दी आना होता है और हमारी 9 बजे की क्लास है तो 8 बजे घर से निकलना होता है तो उसके लिए 1 घंटा तो पूरा बस में लगता है, 1 घंटे वहां से यहाँ तक ट्रेवल तो लगाए फिर यहाँ से वहां तक जाने के लिए 10 मिनट फिर ट्रेवल करने बाय फुट हमें जाना पड़ता है 5 से 10 मिनट तो बाय फुट लग जाते हैं, फिर वहां से ऊपर चढ़ के जाओ अपने डिपार्टमेंट में इंग्लिश डिपार्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। और ऑब्वियसली बात है हमारे टीचर्स फिर डांटेंगे तो ये है, बट ये बहुत अच्छी चीज है। और क्या दिखाना है मुझे, हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर से ना, मुझे बता रही है क्या हो रहा है ये नहीं पता मुझे, ये प्रेस क्लब था नहीं वो है क्या नाम है उसका,
आर्ट काउंसिल, आर्ट काउंसिल का ये है बैनर, ये है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, कहाँ है और वहाँ पर प्रेस क्लब कहाँ है मुझे दिख रहा है कहीं, चना अच्छा अच्छा यहाँ पर ही सारे होते हैं न्यूज और जितनी भी पार्टियाँ साथ सुनते हैं वो सारी इधर होती हैं। और यहाँ पर अभी ट्रैफिक रुका हुआ है, हम तो बैठे हुए हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप इस तरह की फ्री की बस में बैठना चाहते हैं तो आपकी क्या राय होगी, यस और नॉट। मैं तो बैठ गई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत खुशी हुई मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे बैठ कर, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे पता नहीं किसको क्या फ़ायदा होना है कि हमें फ्री में कुछ दे दे, बट एनी वेज हमने किसी को कुछ लाया तो नहीं है जो हमें गुनाह वगैरह, लड़कियाँ यूज भी हो जाए उसमें क्या रहे कि 2 महीने विदाउट पेमेंट के भेजेंगे ना, तो जो R9 वगैरह में जाती है ना, हाँ मुझे दूसरी वहाँ से अलग करके जाती है, निकाब लगा के बोल 2 महीने में करके वो जिधर चली जाएगी। अरे खुद ही बोल देना, तू बोल, सुन रहे हैं सारे, मेरी बहन की भी बातें सुनते हैं, बोल। जो 2 महीने ये लोग फ्री में देंगे ना, तो जो लड़कियाँ जो जाती हैं दूसरे हदीब तक, उनको पता चल जाएगा फ्री में वो सारी लड़कियाँ जाएंगी, उनके साथ साथ जो अलग रूट की भी है ना, वहाँ तक जाने की बीच की छोटा गेट एक रोड वगैरह, उनको भी पता चल जाएगा ये वाली जा रही है, वो पिंक R1 के बजाय इसमें भी बैठना शुरू कर देंगे, तो ये भी चलने लग जाएगी रूटीन में। अभी 2 महीने के अंदर कि औरतें इसमें बैठने की आदि हो जाएंगी, कि जब हो गई आदि तो फिर क्या हुआ, रेगुलरिटी के साथ इसमें जाने लग जाएंगे, जो R9 में जाती है वो इसमें आ जाएंगी फिर सारी, है ना, तो इस तरीके से चल जाएगी। जैसे वो देते हैं ना शॉप वाले डिस्काउंट वो डिस्काउंट ऑफर चल रही है, अभी कम देके बाद में ज़्यादा लेंगे, सुन रहे हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं क्योंकि मेरी बहन ने बताई। इसका अमाउंट वैसे 50 है और ये बहुत अच्छा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट 100 होता है गुलशन अदी तक, गुलशन अदी तक का 100 होता है, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर अपने स्टार्ट किया था तो तब हमारा जो बस का रेंट था वो 50 था, उसके बाद इंक्रीज कर किया गया 60 हुआ, तो इसी बस 70-80 है, नाउ इट्स 90 और कुछ कुछ जो है वो 80 लेते हैं, कुछ कुछ 90 लेते हैं, कुछ कुछ 80 लेते हैं, बट उसको और इससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छा है, ये प्रेस क्लब है, ये कराची में, हाँ लिखा हुआ है कराची प्रेस क्लब, सना का मुँह वैसे भी काले हैं, कोई बात नहीं, छुपाना तो लगाऊंगी। ये है यहाँ पर स्ट्रीट लाइब्रेरी भी है, ये सामने स्ट्रीट लाइब्रेरी है और इसी के आगे से हम लोग बिल्कुल गुजरे, ये रोड मेरा फेवरेट, मतलब इस रास्ते से गुजर के जब जाते हैं ना, टावर से आगे का जितना भी रास्ता है ना, ये बहुत ही क्लीन है एक जगह, हाँ नेवी एयरफोर्स की ये प्लेसेस हैं और ये इतनी क्लीन होती हैं, इतनी प्यारी होती हैं, और यहाँ पर सर्विसेज होती हैं, बैंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, सर्विस का नाम है, अच्छा सर्विस, बस ऐसे ये बता रही इंफॉर्मेशन कुछ मुझे हाँ, तो इधर मैं देख लूँ, ये इसमें जो ये है सॉरी स्ट्रीट लाइब्रेरी ना, ये है स्ट्रीट लाइब्रेरी, वो पीछे वाली होती सॉरी, और यहाँ का जो मैं व्यू आपको बड़ा ही मस्त था, गाड़ी कितनी अच्छी हो रही है यार, इसके बाद ये गाड़ी क्यों स्लो मोशन, ये नहीं पीछे है, हाँ ये प्लेसेस हैं सारी। अभी यहाँ पर आयशा भवानी है, एक बार मैं आपको ये सब कुछ दिखा चुकी हूँ वैसे मेरे प्रीवियस जो हैं व्लॉग्स,
वो अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है वो सब देखे, ये आयशा भवानी है, ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है आयशा भवानी एकेडमी गर्ल्स स्कूल, और ये इसी स्कूल के नाम से मशहूर है। इस जगह से अंदर की तरफ इधर जाए ना बिल्कुल स्ट्रेट इधर, तो यहाँ पर ना रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं जो नेवी के होते हैं ना, तो वहाँ पर टेस्ट होते हैं सारे जितने भी उनके टेस्ट्स वगैरह होते हैं, और भी सारी प्लेस है। खास बात है आज यहाँ का एसी जो है इतना ज़बरदस्त चल रहा है, इतना ज़बरदस्त चल रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इस एसी में, मुझे सुकून सा मिल रहा है, और मज़े की बात कोई है भी नहीं इतना ज़्यादा, ना शोर वगैरह होता है, आप सब ये गर्मी होती है ना तो फिर थोड़ी और भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बट अभी जैसे मैंने बोला इतने सारे लोग इतना इकट्ठा हो रहा, अभी घर चलते हैं। मुझे आप उसमें बताइएगा कैसा लगा ये व्लॉग, और गाँव में याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा।